हैव यू एवर नोटिस्ड कि आपकी स्किन का कलर उड़ सा गया हो, पेल हो गया हो, या फिर आपको ज़्यादा जल्दी थकान हो जाती है या सांस चढ़ जाता है? सो अटेंशन, इट कैन बी अनीमिया, खून की कमी. वेलकम टू साइंस पेडागॉजिक्स, साइंस मेड ईजियर. आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी कॉमन टॉपिक, दैट इज़ अनीमिया, जो कि कई लोगों को होता है. सो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अनीमिया एंड क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट होते हैं. सो हो सकता है कि आप में से किसी ने ये नोटिस किया हो कि आपकी स्किन का कलर जो है पेल हो गया हो. मतलब कई बार हम कहते हैं ना लोगों कि आपकी स्किन का कलर ऐसा उड़ सा क्यों गया, रंग उड़ावा क्यों है तुम्हारा. या फिर कई बार हम देखते हैं कि हमारी आईज का जो कलर है वो भी थोड़ा सा पीला पीला सा, थोड़ा सा उड़ावा होता है. सो अगर ये सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हैं तो इट कैन बी अनीमिया. अनीमिया एक डिजीज़ है जो कि ऑलमोस्ट कई लोगों को होता है और हम लोग को पता होता नहीं है कि हमें अनीमिया है. इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग हर साल मोर देन 10 मिलियन केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं अनीमिया के. ये सिर्फ वो केसेस हैं इंडिया में जो रिपोर्ट होते हैं, जो अनरिपोर्टेड होते हैं. या फिर पूरे वर्ल्ड का डेटा देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज डेटा, बिकॉज अनीमिया एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है. सो आगे हम देखेंगे कि क्या है अनीमिया और इसके सिम्टम्स, कॉजेज और इसका प्रिवेंशन क्या है. तो अनीमिया को जानने के लिए हमें एक बहुत ही कॉमन टर्म की जो है नॉलेज होनी चाहिए. पहले तो हम देखते हैं कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं. सो अक्सर अनीमिया को हिंदी में बोलते हैं खून की कमी. हम बोलते हैं ना कि कोई इंसान बहुत ही पतला है तो उसमें खून की कमी होगी. और अगर साइंस के टर्म्स में देखा जाए तो अनीमिया क्या होता है, हमारी बॉडी या हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाना. हम सब जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, या फिर हमारी बॉडी एकदम सही से फंक्शन करे. हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हम मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. अब ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक, हमारी कोशिकाओं तक कैसे पहुँचता है, ब्लड के थ्रू. हमारे खून का काम है ऑक्सीजन को, यानी कि हम सांस के साथ जो ऑक्सीजन लेते हैं उसको हमारी कोशिकाएं या सेल्स तक पहुंचाना. अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो किस कारण से, या तो आरबीसी की डेफिशिएंसी के कारण से या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी के कारण से. सो इतने टेक्निकल टर्म्स जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आरबीसी क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है. हमारी खून में कुछ सेल्स होती हैं और आरबीसी उनमें से एक होती है, रेड ब्लड सेल. इन रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है जो हमारे खून को लाल बनाता है और उस पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन. अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे खून की जो ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता है, जो ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आरबीसी और पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि वो हमारे ऑक्सीजन जो हम सांस के साथ लेते हैं वो हमारी सेल्स तक पहुंचाए. सो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट समझ आ गया है हमें, और इन दोनों की कमी के कारण जो है अनीमिया होता है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो. अब हम देखेंगे कि अनीमिया अगर इतना ही कॉमन डिजीज़ है तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. हम कैसे पहचान सकते हैं कि शायद हमें अनीमिया है, खून की कमी है और हम डॉक्टर के पास जाएं. सो अनीमिया के सिम्टम्स या फिर अनीमिया है हमें ये कैसे जानना है, इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं. पैलोर, हमारी स्किन का कलर जो है उड़ा उड़ा रहेगा, फीका सा रंग लगेगा हमें, उसे पैलोर कहते हैं. और पैलोर एक साइन है अनीमिया का. इसका दूसरा सिम्टम है कि आपकी जो आंखें हैं उनमें भी येलोइश कलर होगा. फिर थकान बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, आपको हमेशा लगेगा कि आप वीक हैं थोड़े से. इसके अलावा आप थोड़े से भी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या फिर थोड़ा सा भी भागेंगे तो आपका सांस चढ़ जाएगा, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है आपके सेल्स के लिए. और हम सांस क्यों लेते हैं, ताकि ऑक्सीजन हमारी सेल में जाए.
इसके अलावा कई बार चक्कर आने जैसा लगेगा, डिजीनेस लगेगी, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, नौशिया होगा, या फिर वेट लॉस हो जाएगा आपका, या फिर आपकी लिम्स में, आपके हाथ पैरों में बहुत पेन रहेगा। तो ये सब जो है कॉमन सिम्टम्स हैं अनीमिया के। अगर ये है तो आपको डॉक्टर से एक बार दिखाना चाहिए, एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अब क्या क्या कॉजेज होते हैं अनीमिया के, कुछ कॉमन कॉजेज जो कि अक्सर होते हैं। वैसे तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉजेज फॉर अनीमिया, पर उनमें से कुछ हैं जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर ब्लीडिंग। जो फीमेल्स होती है उनमें हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कुछ फीमेल्स में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, विच लीड्स टू अनीमिया। सो अक्सर जो एडोलेसेंट ग्रुप की, जो टीनेज ग्रुप की लड़कियां होती हैं, उनमें अनीमिया होता है बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है RBC में हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। अगर आयरन कम होगा तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, जिसके कारण से अनीमिया हो सकता है। फिर है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे खाने में, जिसके कारण से RBCs बनती है। इसके अलावा कई बार एक्सीडेंट में भी खूब ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसके कारण भी अनीमिया हो सकता है। या फिर कई बार जो है ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग आपने सुना होगा, उसके कारण भी अनीमिया हो सकता है। या फिर कई बार हमारे स्टूल्स में ब्लड लॉस होता है, तो उसके कारण भी जो है अनीमिया हो सकता है। या फिर कई बार नोज़ की ब्लीडिंग होती है, जिसे नक्सीर आना कहते हैं। अगर किसी इंसान में बहुत फ्रीक्वेंटली नक्सीर आती है, तो उसे भी अनीमिया हो सकता है। और भी कई कारण हैं अनीमिया होने के। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें जिससे जो है अनीमिया ना हो। तो हम अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा खाना खाना इस द की कि हमें कई बीमारियां नहीं होती, और अनीमिया उनमें से एक है। अब विटामिन B12 के कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जो हमें खाने चाहिए, जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दूध पीना चाहिए। या फिर आयरन के सोर्सेज देखें तो गुड़ खाना चाहिए, गेहूं खाना चाहिए। जो आजकल बच्चे बाहर बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, उसमें गेहूं नहीं होता, वो मैदा होती है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं अनीमिया हो जाता है। भले ही बच्चा मोटा ताज़ा है एकदम, पर फिर भी उसे अनीमिया है। क्यों? क्योंकि वो सही खाना नहीं खाता। सब्जियाँ खानी चाहिए, जैसे कि पत्तेदार सब्जियाँ, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, इनमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन B12 या आयरन ज़्यादा हो, दूध पीना चाहिए। और जैसे प्रेगनेंसी में लेडीज़ जो है अक्सर दवाइयाँ नहीं लेती है, जबकि दवाइयाँ देते ही उन्हें इसलिए ताकि उन्हें अनीमिया ना हो, क्योंकि बच्चे की और प्रेग्नेंट लेडी की नीड्स जो है बढ़ जाती है, उसके कारण अनीमिया भी हो सकता है बच्चे को भी और प्रेग्नेंट लेडी को भी। तो जो डॉक्टर मेडिकेशन देते हैं उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए ताकि अनीमिया प्रिवेंट हो सके। या फिर काफ़ी बार बहुत कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ दिनों तक बहुत व्रत कर लेते हैं, हम टाइम पे खाना नहीं खाते, उन सब के कारण भी अनीमिया होने के चांसेस हैं। तो हमें अपनी फूड हैबिट्स और हमें अपने फूड के टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और हम क्या खा रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो अच्छा खाना खाने से भी काफ़ी हद तक अनीमिया जो है प्रिवेंट हो सकता है। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अनीमिया इनक्योरेबल है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ऑफकोर्स डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखेगा। So thank you for watching this. Please like, share and subscribe this video if you found it knowledgeable. और अगर कोई particular disease है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप comment box में हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी informative video बनाने की कोशिश करेंगे।